So hello friends, once again welcome back to my channel Basares. This is my fourth video और आज मैं पुरानी दिल्ली आया हूँ, गौरी शंकर मंदिर जहाँ पे श्रद्धालुओं की आस्था केंद्र है, वही इतिहास के स्वर्ण पन्नों में भी इसका अनूठा रहस्य मिलता है। यहाँ भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप मिलता है। मान्यता है कि 5 पीपल के पेड़ के मध्य विराजे भगवान शिव भोलेनाथ भक्तों की हर मुरादा को पूरी करते हैं। टेम्पल करीब 800 साल पुराना है। वर्ष 1761 में मराठा सैनिक आपा गंगाधर ने इस मंदिर के भवन का निर्माण कराया था, जिसका जिक्र आज भी मंदिर के छत पे मिलता है। इसका कई दशक बाद इसका निर्माण पुनर्निर्माण सेठ जयपुर ने 1559 में कराया था। मराठा सैनिक युद्ध में घायल होकर इसी टेंपल में रुके थे और प्रार्थना की थी। अपने आप में ये एक हिस्ट्री है। चलिए आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। मैंने एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बताइए, चलिए आइए। ये देखिए, ये शिवलिंग है। सब लोग कैसे, ये सुबह 5 बजे से ही टेंपल खुल जाता है और बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। बड़ा ही अट्रैक्टिव टेंपल है और 800 साल पुराना टेंपल है। और अंदर की जो नक्काशी है बहुत पुरानी, देख सकते हैं कैसे कैसे, आपको तो दिखाता हूँ। आप देखिए, छोटे छोटे टेंपल बने हैं शेर, यहाँ पे हर चीज़, शेरावाली माता, हर देवी देवताओं की फ़ोटो आपको, तस्वीर देखने को मिलेगी, मूर्ति देखने को मिलेगी। बड़ा अच्छा ही अट्रैक्टिव है। देखिए श्री राम लक्ष्मण सीता, ये है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग है जहाँ पे लोग अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना दिया जलाते हैं। देख सकते हैं आप कैसे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शिव की एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत एक तस्वीर बनाई गई है ना। शानदार स्टैचू है, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा आकार है इसका, जब आप सामने से देखेंगे इसको। मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ जब मैंने इसको देखा। अभी मैं फिर से एक बार इसको दिखाऊंगा आगे। यहाँ की अभी मैं आपको नक्काशी भी दिखाता हूँ। ये हमारे देख सकते हैं खाटू श्याम, बड़ा ही खूबसूरत आर्ट है, बहुत खूबसूरत सजाया गया है। ये राधे 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 कृष्णा। ये देखिए अब यहाँ की नक्काशी, क्या शानदार नक्काशी है, कैसे अच्छे तरीके से इसका आर्ट किया गया, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी पहली बार आया और बहुत अच्छा।